हाक तुमची साथ आमची 36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे. उत्तर प्रदेश राज्यातील हत्सल येथील दलित समाजातील मुलीवर झालेला अत्याचार व तिचे अन्यन्वित हाल झाले. हे हाल करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे जेणेकरून पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळेल याकरिता संपूर्ण देश आज रस्त्यावर उतरलाय. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडितेला अंत्यसंस्कार करण्याचा हक्क दिलेला नाही. तसेच पीडित कुटुंबियांना विरोधी पक्षनेते व प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना भेटू दिले जात नाही. बेटी बचाओ बेटी पढाओचा नारा देणारे पंतप्रधान मुख गिळून गप्प का. 19 वर्षीय पीडितेला जिवंत असतानाही यातना देण्यात आले तसेच मृत्यूनंतरही तिच्या मृतदेहाची अवहेलना करण्यात आली. या पीडित परिवाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी हसनायन फाउंडेशन पीडित कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. तसेच पीडित कुटुंबाला वाय दर्जाची सुरक्षा दिली पाहिजे हीच मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. दरजमी पे सब मिलकर इसलिए खड़े है निषेध करने के लिए कि हमारी बहन मनीषा के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका हमें बड़ा दुख हुआ. क्या आज हमारी बहन की रेप करने के बाद जबान काटी गई और इनकी हड्डी भी तोड़ी गई और इतना बेरहमी से उसको मारा गया और मारने के बाद उसकी बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी गई. उनके समाज में ऐसा भी होता है कि उसको हल्दी लगाया जाता है लेकिन वो बच्ची को हल्दी भी नहीं मिल पाई. इस बात का हमें दुख है और मैं तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने एरिया में निषेध करें इस बात का. आज वो बहन के ऊपर बीती कल हमारी बहन पर भी ये बात ना आए. बस योगी सरकार होश में आ जाओ और ये गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है इसे बंद करो और जो इसने अत्याचार किया है उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करो और जो DM है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और वो उनको फांसी की सजा जरूर दिलाइए. हम लोग जब ही चैन की नींद लेंगे जब उन्हें फांसी की सजा होगी. जय हिंद जय महाराष्ट्र. न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी बाशित कुरेशी नाशिक.